नारायण नारायण, ये कौन बालक है जो खेलने कूदने की अवस्था में इतनी तल्लीनता के साथ श्री गणेश की आराधना कर रहा है? नारद, इसकी आराधना का रहस्य तुम्हें जानना ही होगा। ओ महागणेशाय, सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ मैं, सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। श्री नंदी के विरोध पर क्रोधित शिव शंकर उसे प्रताड़ित करके पार्वती के स्नान गृह में प्रवेश करते हैं। अपने अपमान से उत्तेजित जब गजराज ऐरावत ने देवताओं को दंडित करना प्रारंभ किया, तभी इंद्र के शाप के कारण वे स्वर्ग से पतित हो गए। ऐरावत के पतन का सीधा संबंध श्री महागणेश के नवीन अवतार से है। उधर आज कैलाश के अपने कक्ष में देवी पार्वती अत्यंत दुखी और चिंतित हैं। आज जो कुछ भी घटित हुआ वो उचित नहीं था। मेरी प्रिय सखियां जया और विजया निराश होकर लौट गईं। माता पिता को जब इस घटना की सूचना मिलेगी तो वे अवश्य दुखी होंगे। मेरा स्नान भी अधूरा रह गया। मेरे व्यवहार से स्वामी भी अवश्य शुभ्ध हुए होंगे। न जाने ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। मैं क्या करूं? परंतु कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये अघटित घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार ही हुआ। परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार? हाँ पार्वती, तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति, देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तुम्हें क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात? शिव प्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित ना हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। Oh.
कहाँ? यहाँ माता, यहाँ आपके ही तन की दिव्य आभा में तो मैं समाया हूँ। मुझे आकार प्रदान करो माता, मुझे प्रकट करो माता, मुझे अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्रदान करो माता। कब से मैं तुम्हारा वात्सल्य और प्रेम पाने के लिए मचल रहा था, मुझे भूख भी लग रही है माता, शीघ्र प्रकट करो ना। ईश्वर गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। माता, पुत्र संसार के हर ऋण से मुक्त हो सकता है, किंतु माता के ऋण से
किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो गणेश। तुम्हारा पुत्र जो हूँ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ माता, माँ की सेवा करना तो पुत्र का कर्तव्य ही होता है। मेरा पुत्र गणेश। माता, तुम्हारे हृदय में तो आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र गणेश। माता, पुत्र। माता। देवी पार्वती, देवी पार्वती, इन दिव्य उपकरणों का उपयोग करो, किंतु इनके देवता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नान गृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच ना करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। अरे, ये मोदक कहाँ गए? हम यहाँ हैं। अरे, तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरें, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। नंदीश्वर, आज्ञा करें प्रभु। देवी जया और विजया को हमने आश्वस्त किया था कि हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं करवाया? क्षमा करें भोलेनाथ, स्मरण कराने पर तो आप क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से प्रहार कर बैठते हैं। अभी तक उस घटना का दुख तुम्हारे भीतर है। दुख से अधिक तो माता का क्रोध है, और माता के क्रोध से मुझे भय बहुत लगता है।
इसी कारण कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे नंदी कि तुम्हारी माता मुझ पर भी क्रोध करेंगी? नहीं प्रभु, ऐसा सोचना तो मेरी भूल थी, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर, न जाने कहाँ से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डर जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं, ये संपूर्ण कैलाश हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाएं कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। सावधान, यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पग भी आगे न बढ़ाएं। तू जानता है हम कौन है? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदिदेव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हट ही बालक, व्यर्थ का हट ना कर। क्यों ना करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुँचाने वाले प्रिय बालक। मैं बालक अवश्य हूँ किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता, अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे, तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है, माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता? अब आए ना मेरे मार्ग पर, क्या पूछते हैं आप? मेरी माता आखिर ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है, और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश? किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात? अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे, मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊँ और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाए, मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए? आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हट ही बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा। अन्यथा क्या, युद्ध करेंगे तो आ जा रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक। इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या?
क्या सोच रहे हैं? शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे। उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की। पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश। गौरी पुत्र, गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके, जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है, उसे देवी पार्वती के स्नान ग्रह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो 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 शिव आगे का पालन करें। चलो 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 चलो। माता ने तो मुझे बताया नहीं कि महादेव ही इस कैलाश के स्वामी हैं, परंतु बताया भी होता तो मैं उन्हें स्नान ग्रह कैसे जाने देता? मुझे तो समझ में नहीं आता कि विचित्र वेशधारी कैलाशपति मेरी माता की आज्ञा मानने को प्रस्तुत क्यों नहीं। अरे ना माने, अब तो वे लौट गए, अब उनकी चिंता क्यों करूं? माता के दिए हुए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाता हूँ। यदि तुमने माता के कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। बालक तो उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उस पर इस दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की? बातें तो बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं, हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से? अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है, किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, स्वामी का आदेश जो है ना।
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि स्वामी का आदेश जो है अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे, आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं? इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। से परिहास करता है, आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्ख हंसते क्या हो, पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। बालक, समान कठोर है भोलेनाथ, उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी, वो हमें पीटने किसी भी क्षण आ भी आ सकता है प्रभु। उसे रोके भोलेनाथ, रोके शिव शंकर, रोके। इच्छा के बिना स्नान गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा।
माता तुम्हारे भेंट किए हुए मोदक और लड्डू अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। धन्य हो माता, जय माता की। किसी का साहस माता के द्वार में आने का नहीं होगा। प्रणाम कैलाश पति, आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक, तूने शिवांश से जन्म नंदी और हमारे प्रिय शिवगणों को अकारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं, स्वयं को महादेव भी बता रहे थे, महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिवगणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन है, मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताए कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना? 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हटी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति, भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता ना पाए किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है, मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो मेरे प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक। यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग। उद्दंड बालक, तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की है, अब तू जीवित नहीं बचेगा। कैलाशपति, बातों से तो आपने मुझे कई बार दंडित कर दिया, माता के भेंट किए हुए उन मीठे मीठे मोदकों के कारण मेरे मुंह से अब तक मीठी मीठी बातें ही निकल रही थी किंतु अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई। यदि इतने बड़े कैलाशपति होकर आप मुझ बालक पर
वर प्रयोग करने के इच्छुक हैं, तो करें। मैं प्रस्तुत हूँ। माता का धन मेरे पास भी है। अपनी दुष्टता पर संयम रख मूर्ख बालक। बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि ना करें। यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है। आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। स्वामी, ज्वालाओं के ऐसे भयानक विस्फोट आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखे। देवी सरस्वती, पार्वती पुत्र और शिव के संघर्ष का परिणाम सारी सृष्टि के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। ये ज्वालाएं कहां से आ रही हैं? परमपिता ब्रह्मदेव, रोकें, कृपया रोकें। महादेव के क्रोध को रोकें प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। बालक, महादेव शिव शंकर तुम्हारे ही नहीं चराचर जगत के पूज्य हैं। तुम इनसे युद्ध का त्याग करो और अपने दुस्साहस की क्षमा याचना करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार पर प्रहरी की भांति खड़ा हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अपने से बड़े आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति से युद्ध करना क्या तुम्हें शोभा देता है बालक? बड़ों को
छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता। जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो उसे उस योग के आचरण भी करना पड़ता है। बालक, तुम्हारे क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा, ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर स्नान गृह में प्रवेश करने की उतावली दिखा रहे हैं। यदि ये प्रहार रोक दे तो मैं भी रोक दूंगा। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाए ब्रह्मदेव, आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। हे देवाधिदेव, ये बालक अबोध है। बालकों के भयानक अपराध को भी क्षमा कर देने की परंपरा है भोलेनाथ, इसी कारण आप इसकी दृष्टता को क्षमा कर दें। कदापि नहीं, इसकी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना, मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अभ्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाएं लौट जाएं और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवाधिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रकट ये बालक आप ही का पुत्र है, इसे क्षमा कर दे शिव शंकर। यदि ये हमारा पुत्र भी है तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक, नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा।
गणेश, पुत्र गणेश, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया, किसने किया? मेरा पुत्र। दुर्दशा करने का उत्तरदायी कौन है? जवाब दो ब्रह्मदेव, कौन है? उत्तर दे मुझे, उत्तर दे, उत्तर दे। उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे। ये दुस्साहस किसने किया देवेंद्र? उत्तर दे देवेंद्र, उत्तर दे। तुम तो कुछ कहो देवर्षि, मेरी ममता की निष्ठुर हत्या करने वाला कौन है? वो कौन है? उत्तर दे, कोई तो उत्तर दो। अपनी स्वामिनी के प्रश्न का उत्तर दो शिवगणों, कोई तो मुझे उत्तर दो। कौन है वो जिसने मेरे पुत्र को आहत करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? मेरी ममता की हत्या देखने के साक्षी आप सब हैं। यदि आपने सत्य नहीं कहा तो मेरा क्रोध इस संसार में प्रलय कर देगा। यदि मेरा पुत्र नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी, सारा संसार मेरे संकेत मात्र पर स्वाहा हो जाएगा। उत्तर दे, उत्तर दे मुझे, उत्तर दे। Thank you.
मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो, शांत हो माता, 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 शांत हो। ध्यान को विराम दे महादेव। महादेवी पार्वती का क्रोध शांत करें महादेव, अन्यथा समय प्रलय हो जाएगा। महादेवी पार्वती के क्रोध के सन्मुख संसार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा भोलेनाथ। हे कल्याणकारी शिव, इस संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे प्रभु। परमपिता, श्री हरि, संकट की इस घड़ी में हम अपनी इच्छा से संसार को प्रकट करने वाले परमदेव श्री महागणेश का आह्वान करें। वे ही इस विपत्ति का अंत कर सकते हैं। तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। यह घटना परमदेव श्री महागणेश से ही जुड़ी है। संकट में पड़ी सृष्टि की रक्षा परमदेव श्री महागणेश ही कर सकते हैं। परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें महागणेश। परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश। दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। अहव्यामी 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 अहव्यामी। श्री महागणेश की जगदम्बे, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
न ही हो सकता है। ये तो मेरी प्रत्यक्ष लीला का संकेत है। इस संसार और त्रिदेवों की समस्त लीलाएं मेरी ही लीला के घटना चक्र से जुड़ी होती हैं। शांत हो माता, शांत हो। मेरी ये लीला भविष्य में सर्व मंगल का कारण बनेगी। संसार को जीव मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। शांत हो महादेवी, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है माँ देवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर, अपने ध्यान को विराम दे। जागे भोलेनाथ, जागे। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि, देवगणों, कैलाश में घटने वाली इस घटना के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर, गौरी पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें। श्री हरि विष्णु जी, अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। गौरी पुत्र गणेश हमारे इस त्रिशूल के प्रहार से प्राणहीन नहीं हुआ है। गंग 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 गंग, अर्थात महादेव, महागणेश की महालीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ, आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे, इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव, शुभस्य, शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। Thank you.
इस निर्दोष प्राणी का वध? दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। ये तो देवेंद्र का वाहन शापित ऐरावत है। क्या इसका मस्तक गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? जगत पालक श्रीहरि विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी प्रतीक्षा में यहां खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को प्रदान करके आप संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की नई भावना का उदय करेंगे। किंतु श्री महागणेश, ऐरावत का मस्तक काट लेने से क्या नई समस्या का जन्म नहीं होगा? श्री हरि, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने एवं संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने इस महालीला का आयोजन किया है। श्री हरि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो ये ऐरावत क्या कह रहा है। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, मुझ पतित का उद्धार करें। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा ही मुझे श्राप मुक्ति मिलेगी। श्राप मुक्ति नहीं ऐरावत, शाप मुक्ति नहीं, तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन, ऐरावत का कल्याण करें। पतित और श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया। श्री हरि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है।
स्वरूपिणी महादेवी पार्वती, महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। गजानन श्री गणेश की जय। गजमुख श्री गणेश की जय। गजानन गौरी पुत्र गणेश की जय। गजानन गौरी पुत्र गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की गजानन श्री गणेश की। देवों के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हिते। सर्व देवों के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हिते। जय जय गौरी पुत्र गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश। वाहन प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता। तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश।
सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कले। करता जग के पालक हो दुख हरता, तुम ही करता तुम ही कारण अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। देवों के प्रथम पूज्य हो परम हितेशी तुम हो हितेश। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारा पुत्र गजानन गणेश परम देव श्री महागणेश का ही प्रतिरूप है। हमने जो कुछ भी किया वो परम देव के संकेत और उनकी इच्छा का ही सम्मान था। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा। गजानन श्री गणेश आज के पश्चात शिव और शिवा के ही नहीं अपितु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के पुत्र के रूप में परम सम्मान प्राप्त करेंगे। गजानन श्री गणेश अपनी बुद्धि और चातुर्य से सदा सदा संसार का कल्याण करते हुए विघ्न बाधाओं का अंत करने के प्रतीक बनेंगे। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। नारायण नारायण, संसार की हर माता अपने पुत्र के रूप में गजानन श्री गणेश जैसा पुत्र पाने की अभिलाषा रखेंगी। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की जय। सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले गजानन श्री गणेश की जय। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की जय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, देवगणों, आप सभी का स्नेह सम्मान पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी माता पार्वती की इच्छा का आदर करते हुए आप सबने अग्र पूजा का जो उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ा है, वास्तव में आप सब दिव्य आत्माओं के रहते हुए मैं स्वयं को अगर पूजा के योग्य नहीं समझता। जिस संसार को परम देव श्री महागणेश, आशुतोष शिव शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, वहाँ मेरी अग्र पूजा क्या उचित होगी? नारायण नारायण, श्री गणेश
प्रश्न उचित एवं अनुचित का नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवर्षि? मेरा कहा क्षमा करें श्री गणेश। अग्र पूजा का अधिकार आपको मात्र जगदम्बा पार्वती की इच्छा के सम्मान के लिए नहीं, अपितु इस संसार के कल्याण की दृष्टि से प्रदान किया गया है। किस प्रकार? नारायण नारायण श्री गणेश, आप इस संसार को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट करने वाले श्री महागणेश के प्रतिरूप एवं जन कल्याण के अवतार हैं। देवर्षि, क्या परम देव श्री महागणेश का प्रतिरूप होना मेरी अग्र पूजा के लिए पर्याप्त आधार है? श्री गणेश, हम आपकी त्याग की भावना का हृदय से आदर करते हैं। जिस सर्वोच्च सम्मान को पाने के लिए संसार की महाशक्तियां भी ललायत रहती हैं, उस सम्मान को पाकर भी आपने स्वयं उस पर प्रश्न उठाकर संसार के मध्य एक नया आदर्श स्थापित कर दिया है। क्षमा करें परम पिता, यह मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। श्री गणेश, आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं मात्र इतना ही कहने का इच्छुक हूँ कि अग्र पूजा का अधिकार आपको प्राप्त होना सर्वथा उचित है। किस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी? आज जब संसार में आदर्श परंपराओं की उपेक्षा हो रही है, दुष्ट और दैत्य शक्तियां शुभ शक्तियों को भयभीत करने में सफल हो रही हैं, तब किसी ऐसी प्रेरणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी माता के आज्ञा पालन के लिए अपने पिता से शीश तक कटवाना उचित समझा। श्री हरि विष्णु का कथन सर्वथा उचित है श्री गणेश। परम देव श्री महागणेश की भांति आपने भी संसार के सन्मुख आज्ञा पालन का महान आदर स्थापित किया है। इस कारण अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं। श्री गणेश, पुत्र के लिए तो जन्म देने वाली माता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। अपनी माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की आज्ञा पालन के लिए आपने आत्महुति का मार्ग स्वीकार कर अपनी माता स्वरूपी भगवान का ही नहीं अपितु संसार का हृदय भी जीत लिया है। इस कारण आप संसार की अग्र पूजा के अधिकारी हैं। श्री गणेश, अपनी अग्र पूजा के संबंध में तुम्हारे तर्क तो उचित हैं, किंतु संदेह अनुचित है। अर्थात पिताश्री? अपनी अग्र पूजा के संबंध में प्रश्न उठाकर तुमने वास्तव में हम त्रिदेवों त्रिदेवियों एवं संसार की महाशक्तियों का सम्मान किया है, किंतु तुम अग्र पूजा के सर्वथा योग्य हो। हमें ज्ञात है कि तुम हमारे कथन का कारण जानने के इच्छुक हो। श्री गणेश, किसी कार्य की अग्र पूजा का अर्थ होता है उस कार्य का निर्विघ्न पूर्ण होना और सफल होना। तुमने अवतार धारण करके ही अपनी माता देवी पार्वती का स्नान अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण और सफल करवाने के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया। इस कारण तुम ही सच्चे अधिकारी हो अग्र पूजा के। नारायण नारायण श्री गणेश, जो देवी जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती की विघ्न बाधाओं का अंत करने में सफल रहा हो, वो इस संसार की और इस संसार के प्राणियों की विघ्न बाधाओं का अंत तो क्षण मात्र में ही कर देगा। संसार के कल्याण और दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए अपनी अग्र पूजा स्वीकार करें श्री गणेश। श्री गणेश, आप शिव शक्ति ही नहीं त्रिदेवों और त्रिदेवियों के भी पुत्र हैं। आपकी पूजा से हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। पुत्र के सत्कर्म माता पिता को यशस्वी बनाते हैं श्री गणेश। वास्तव में जो प्राणी अपने कार्य सफलता के लिए आपकी अग्र पूजा करेगा, उसे आपके साथ हमारी भी कृपा प्राप्त होगी। हम सबकी प्रार्थना त्रिदेव त्रिदेवियों के तार्किक कथन के पश्चात आप संसार की अग्र पूजा स्वीकार करें। श्री गणेश, आपकी अग्र पूजा से ही दुष्ट भयभीत होकर अपनी दुष्टता छोड़ देंगे। हमें निराश न करें श्री गणेश, अग्र पूजा को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। हम पर कृपा करें श्री गणेश।
संसार का कल्याण करें श्री गणेश। कैलाश की परम पावन भूमि पर उपस्थित सभी सम्मानित देवगणों, आप सबकी प्रेरणा से मुझे अपनी शक्ति और आप सबकी कृपा का ज्ञान हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि संसार के जिस शुभ कार्य में मेरी अग्र पूजा की जाएगी, उस कार्य को मैं अपनी शक्ति और सभी की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण और सफल करूंगा। अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। देवादिदेव महादेव, संसार को अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश प्राप्त होने की पुनः शत शत शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए अब हमें अपने अपने लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। श्री